गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ. टुडे वी कंटिन्यू अवर एक्सरसाइज 7. ओके, क्वेश्चन 9 इज गिव सच एग्जांपल इन विच 1/4 पार्ट ऑब्टेन बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग इक्वली. मीन्स आपको यहाँ पर जो 1/4 2/8 एंड 3/12 दिया, अब यहाँ पर आपको इक्वल करके डैश दिया, मतलब आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स देना है. यहाँ पर एक फ्रैक्शन लिखना है जिसको डिवाइड करने पे उसका 1/4 पार्ट क्या आ जाए, 1/4. ओके, ऑब्टेन 1, जिसको डिस्ट्रीब्यूट जब हम करें तो उसका पार्ट क्या आ जाए लास्ट में, 1/4. ओके, सो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आगे कंटिन्यू इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही लिखने हैं. 1/2 = 2, 1/3 = 3 एंड 1/4 = 4 एंड देन 4/1 = 4, 4/2 = 8, 4/3 = 12, 4/4 = 16. ठीक है, मीन्स 4/16 के जब आप पार्ट करोगे, उसको डिवाइड करते जाओगे, तो आपको उसका 1/4 पार्ट ये मिलेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 इज राइट एनी 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/5. मीन्स आपको 1/5 के कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, 4. ओके, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बिफोर करवाए हैं, इसको टेबल को आगे बढ़ाइए या फिर नंबर को 1, 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करते जाइए. ओके, सो इट इज़ इन योर होमवर्क. सो अवर 10 क्वेश्चन इज कुमकुम बॉट ए रिबिन ऑफ 6 meter लेंथ फ्रॉम मार्केट. शी वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट इट एमंग हर 4 फ्रेंड्स, देन फाइंड हाउ लॉन्ग रिबिन विल ईच ऑफ हर फ्रेंड गेट. तो इसके मीन्स है कि कुमकुम ने कितने मीटर रिबिन परचेस किया, 6 meter की लेंथ का, और वो चाहती है कि उसके 4 फ्रेंड्स में वो बराबर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो वो हर फ्रेंड को, ईच फ्रेंड को कितना रिबन डिस्ट्रीब्यूट करेगी. सो वी सॉल्व इट. कुमकुम बॉट रिबिन, कितना लिया उसने, 6 meter. सो वी राइट डाउन कुमकुम बॉट रिबिन 6 meter. अब उसको 4 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 6 में से 1 1 meter तो हम अलग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट टू 4 फ्रेंड्स 1 meter 1 meter 1 meter 1 meter. 4 फ्रेंड्स में किया, सो 4 मीटर तो उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब उसके पास कितना बचा, 2 meter. ओके, 6 में से उसने 1 1 meter हर फ्रेंड को दे दिया, तो उसके पास अब बचा है 2 meter. तो रिमेनिंग 2 meter रिबिन, अब वो 2 meter को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया उसने, 1/2 meter 1/2 meter 1/2 meter 1/2, मीन्स 1/2 and 1/2 कितना हो जाता है, 1. ओके, इन दोनों को मिला के 1 होगा, एंड अगेन 1/2 1/2 को मिला के 1, सो 1 and 1 क्या हो गया, 2. ओके, 2 meter को हमने 1/2 1/2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4 times. सो रिबन डिस्ट्रीब्यूट टू ईच फ्रेंड, तो उसने हर फ्रेंड को कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, 1 meter ये और 1/2 ये, तो 1 and 1/2 meter उसने हर फ्रेंड को रिबन डिस्ट्रीब्यूट किया. ओके, ओके, 11 क्वेश्चन इज सरस्वती नीड्स 1 and 1/4 meter क्लॉथ टू मेक ए शर्ट. फाइंड द लेंथ ऑफ क्लॉथ टू मेक 2 सच शर्ट. मतलब सरस्वती को एक शर्ट के लिए कितना क्लॉथ चाहिए, 1 and 1/4 meter, तो उसको 2 शर्ट्स बनाने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए. ओके, सो क्लॉथ नीड्स टू मेक 1 शर्ट, 1 शर्ट के लिए क्या चाहिए था, 1 and 1/4 meter. अब यहाँ पर आपको ये किस में दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स को हम इम्प्रॉपर में चेंज कर देंगे, सो 1 and 1/4 को हम जब इम्प्रॉपर में, 4 1 = 4 and 1 = 5, 5/4 meter आ गया. ओके, सो हमने यहाँ 5/4 meter लिख दिया. देन क्लॉथ नीड्स टू मेक 2 शर्ट, 1 शर्ट के लिए इतना चाहिए था, तो एक और चाहिए, सिल बना नहीं रहेगी, तो अगेन आपको इतना ही चाहिएगा, सो 5/4 + 5/4. ओके, मतलब एक शर्ट के लिए 5/4 चाहिए था, तो दूसरी शर्ट के लिए भी 5/4 ही चाहिएगा, सो इन दोनों को हम दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये एक शर्ट का क्लॉथ है और ये दूसरी शर्ट का, तो टोटल हमको पता करना है कितना चाहिएगा, दोनों को ऐड कर दिया, सो 4 and 4 सेम नंबर है, तो कॉमन ले लेंगे 4 and 5 + 5, सो 5 and 5 is 10 एंड 4 एज इट इज राइट ऑन, सो आंसर इज 10/4. अब 10/4 को हम किस में अगेन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, सो 10/4 को जब हम काटेंगे 2 की टेबल से, तो 2 2 = 4 and 2 5 = 10, सो क्या आया, 5 2 5 2 and 5 2 को हमने फिर इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया, सो मिक्स में चेंज कर दिया, 2 2 = 4, सो 2 1 and 2, 2 and 1/2 meter. ओके, सो सरस्वती को दोनों शर्ट सिलने के लिए कितना क्लॉथ चाहिएगा, 2 and 1/2 meter. ओके, सो अवर एक्सरसाइज 7 कंप्लीटेड. नाउ